गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एट योर होम्स। लास्ट टाइम वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3, ग्रोइंग अप पेन्स, एंड वी वर एट द पेज नंबर 16। तो शैल वी प्रोसीड। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। हियर समीर सेज कि आई वुड नॉट से, ऐसा नहीं कहूँगा दैट आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, कि मुझे जब उसके फादर जो थे उसे अपना अफेक्शन शो कर रहे थे, अपना लव शो कर रहे थे बाय रनिंग हिज फिंगर्स इन हिज कर्ली हेयर, दैट टाइम समीर सेज कि आई वुड नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहता आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, कि मुझे, मैं उस पापा के जो वो एक्शंस हैं, पापा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुझे, मैं उनसे हेट करता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट एज आई यूज़ टू। लेकिन राइट नाउ, अब उस समय मैं उन उस चीज़ों को उतना एन्जॉय नहीं कर पाता जितना कि मैं पहले पास्ट में किया करता था एज आई यूज़ टू। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा, कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं अपने पापा के लव के लिए, उनके अफेक्शन को हासिल करने के लिए, मानो कि मैं पूरा वर्ल्ड उनके ऊपर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। नाउ आई फील, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में, एज इफ इट इज़ नॉट, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो फीलिंग, वो सेंटिमेंट्स मेरे अंदर नहीं है। वॉट अप्पा शुड डू टू मी, कि पापा को कैसा करना चाहिए मेरे साथ, इट इज़ इट नॉट टाइम, ये वो टाइम नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, लेट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रोन अप, कि वो मुझे ग्रोन अप की तरह ट्रीट करें, स्पेशली वन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, और स्पेशली इसलिए विशेष रूप से बिकॉज वन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वंस, बिकॉज ही यूजली ही फ्रीक्वेंटली सेज मी डैट आई शुड बिहेव लाइक अ यंग वन, कि मुझे बड़ों की तरह, बड़े हो गए हो, बड़े की तरह बिहेव किया करो। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विद पेन, मैं गिरता हूँ, मैं स्लिप होता हूँ और मुझे चोट लग जाती है। एंड दैट टाइम आई गॉट अ स्प्रेन, मुझे मेरे पैर में मोच आ गई, एंड आई वॉज क्राइंग, आई एम क्राइंग विद पेन। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, मम्मा जो थी वो हमेशा की तरह बिल्कुल काइंड, अपनी कंसर्न दिखाते हुए, बट नॉट पापा, लेकिन डैड का भी, डैड जो थे वो ऐसे नहीं थे। ही ग्राउल्स, वो थोड़ा सा ग्राउल करे, गुस्सा हुए, यू आर 14 समीर, समीर 14 ईयर्स के हो तुम, इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बेयर पेन विद स्टॉइक करेज, और अब तुम्हें ये सीखना चाहिए, यू शुड हैव लर्न, कि आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए हाउ टू बेयर पेन विद स्टॉइक करेज, कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कैसे दर्द को सहन किया जाए। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब बच्चे नहीं हो आप। आई कैन नॉट फॉरगेट दीज दोज वर्ड्स, कि मैं उन शब्दों को भूल नहीं सकता। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, कि नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, जब पापा ऑफिस से आए, लौट चुके थे, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं मम्मा के पास जाता हूँ, शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, मम्मा मुझे वेलकम करती है अपनी बड़ी सी स्माइल से, मुस्कुराहट के साथ, बट द स्माइल टर्न्स इन टू अ फ्राउन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस। लेकिन वॉट हैपेंड, कि जैसे ही मम्मा के पास गया, मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से, बहुत वार्मली वेलकम किया विद अ बिग स्माइल, बट एज आई आस्क हर, जैसे ही मैं पूछता हूँ उनसे कि मैं, क्या मैं अपने फ्रेंड विशाल के यहाँ बर्थडे पार्टी में चला जाऊँ, तो क्या वो, वॉट हैपेंड, कि मम्मा का जो स्माइलिंग फेस था वो एकदम से एंगर में उनके फ्राउन हो गए, फ्राउन मतलब आईब्रोज चढ़ गई, यानी नाराज सी होने लगी। आई कुड वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि मैं जा सकता हूँ क्या मम्मा, अम्मा सेज, मम्मा कहती हैं मस्ट बी बैक बिफोर 9, ओके यू कैन गो बट यू हैव टू कम बैक बिफोर 9, तुम्हें 9 बजे से पहले पहले आना होगा, रिटर्न होना होगा। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, बड़ा हो गया हूँ ना, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव,
क्या मैं तब तक बाहर नहीं रह सकता जब तक कि मेरे फ्रेंड्स उस पार्टी को ना छोड़ें? आई आस्क, मैं पूछता हूँ। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन? कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है, ऐसा सोचते हो तुम कि यू आर ओल्ड इनफ, कि हाँ काफ़ी मैच्योर हो गए हो, ओल्ड इनफ हो गए हो टू बी ऑन योर ओन, या आप सब चीज़ें अपने आप डिसाइड कर लो समीर। रिमेंबर, याद रखो, यू आर स्टिल अ चाइल्ड, अभी भी छोटे बच्चे ही हो तुम, चाइल्डी हो, इवन दो यू थिंक अदरवाइज, मे बी कि तुम अदरवाइज सोचते हो, तुम मेरी चीज़ से अग्री नहीं करते हो, बट यू आर स्टिल अ चाइल्ड, यू आर एट एन इन बिटवीन एज, और अब तुम उस किड और जो मैच्योर जो पर्सन होता है उसके बीच के स्टेज पे हो, उसके बीच की उम्र में हो, एंड दैट पर्टिकुलर एज इज़ नोन एज अ टीनेज, अ टीनेजर, यू आर अ टीनेजर। डेट रेज इज माई हैकल, अब जब मम्मा की सारी चीज़ें कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो डेट रेज इज माई हैकल, मुझे नाराज़ कर दिया, मम्मा की जो व्यूज़ थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, मैं उनसे अग्री नहीं कर रहा था। डेट रेज माई हैकल, उन्होंने मुझे नाराज़ कर दिया। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने नाराज़गी में अपने पैरों को स्टैम्प माई फीट, मतलब पैर पटकते हुए मैंने पैर पटके, शाउट एट हर, उनके ऊपर चिल्लाया, क्राइक शाउट करने लगा, आई एम ओल्ड इनफ, मैं तो पूरा तरह से इनफ ओल्ड हो चुका हूँ अम्मा, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, और मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ, इतना ओल्ड हो चुका हूँ कि मैं अब अपने डिसीजंस खुद ले लूँ, खुद कर सकूँ अपने बारे में डिसीजंस। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, एंड फ्रॉम नाउ मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता, किसी को भी मैं मतलब अलाउ नहीं कर रहा हूँ, सहमति नहीं दे रहा हूँ किसी को भी कि कोई भी मुझे एक चाइल्ड की तरह, एक किड की तरह ट्रीट करे। शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक, जब मम्मा ने उसकी बात सुनी तो शी गिव्स अ स्टर्न लुक, स्टर्न मतलब हार्ड, मम्मा ने ऐसे टाइटली हार्ड लुक में देखा, एंड असर्ट्स फर्मली, और फिर बड़े फर्म मैनर में बोली, माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा जो डिसीजन है दैट्स फाइनल, नो पार्टी फॉर यू, पार्टी वार्टी, कोई पार्टी वार्टी नहीं है तुम्हारे लिए, नॉट टूडे, ना केवल आज, नॉट एवर, कभी भी नहीं, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोल्ड, कि उसने वाइल्ड कोल्ड, COLD कोल्ड मीन्स बेटे बेबी हॉर्स। तो मामा कहती हैं कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम पार्टी में जाओ, नॉट फॉर टूडे, नॉट एवर, ना तो आज के लिए और ना ही फ्यूचर में कभी आगे के लिए, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोल्ड, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा जो एंड है कि तुम एक वाइल्ड कोल्ड की तरह अपनी लाइफ को स्पॉइल करो, स्पॉइल इन द सेंस कि तुम गंवार रह जाओ, स्टुपिड से, डफर से रह जाओ, सो वो उस चीज़ को मैं अलाउ नहीं करूँगी। शी हैज़ हर वे, मम्मा की अपना एक वे था, मम्मा अपनी जो चाहती थी वो करती थी। आई मिस द पार्टी एंड डेट्स वाई आई मिस द पार्टी, पार्टी में मैं नहीं जा सकता, मैंने पार्टी को मिस कर दिया, बट इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन ये चीज़ जो थी कि मैं पार्टी में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं थी, एंडियर नहीं थी, मतलब मैं उसे पसंद नहीं कर रहा था, इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन मम्मा को वो चीज़ जो थी वो उनको ठीक नहीं लगती थी, उनको अच्छी नहीं थी। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर होल डे, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैंने उनसे पूरे एक दिन तक बात नहीं की, कंप्लीट डे मैं अपनी मम्मा से कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बात नहीं करी मैंने। शी कॉक्सेज मी, वो मुझे लाड़ प्यार करती रही, कॉक्स मतलब लाड़ प्यार करना, बहलाना, अपने एफर्ट्स डालती रही, प्लेसिक मी, मुझे मेरा जो टेम्पर था उसको कूल डाउन करने की कोशिश करती रही, एंड टिल आई सकम टू हर मॉली कॉडिंग, कि मैं जब तक मम्मा जो थी, मम्मा ने मैं देखा, नोटिस किया कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो शी कॉक्सेज मी, वो मुझे बहलाने लगी, मुझे प्यार से सहलाने लगी, एंड प्लेसेट मी, मुझे मेरे को अपने अपने अपनी बातों से फुसलाने लगी, कब तक, टिल आई सकम टू हर मॉली कॉडिंग, तब तक कि मैं उनके मौली, उनके लाड़ प्यार के आगे मैंने अपने आप को सकम नहीं कर दिया, अपना
समर्पण नहीं कर रहे तब तक मम्मा अपने सारे एफर्ट्स डाल दे रही, मम्मा मेक्स ऑल द एफर्ट्स टू मेक मी प्लीज, मुझे खुश करने के लिए हर तरह की चीज़ें करने लगी। देन आई हग हर, थोड़ी देर बाद मैं कूल डाउन हो गया, मेरा गुस्सा था वो ठंडा हो गया, एंड आई हग हर, मम्मा को मैंने हग करा और शाउट किया, क्राई किया। पैट कम्स हर रिमार्क, और उसके बाद भी पैट कम्स हर रिमार्क, एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, कि मम्मा ने और मम्मा जो है उन्होंने रिमार्क दिया कि एट द एज ऑफ 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, कि 14 की एज में एक बच्चे को पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल में रखे, कैसे नियंत्रण में रखे। डेट इज़ द ट्रबल, दिस इज़ द मेन ट्रबल, सबसे वो ही सबसे बड़ी परेशानी थी। एम आई अ चाइल्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या मैं बच्चा हूँ, और हैव आई ग्रोन अप, या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ। समीर वॉज इन डिलेमा, वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम, कि उसने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताइए कि मैं एम आई अ चाइल्ड, बच्चा हूँ, या फिर मैं आई एम ए ग्रोन अप बड़ा हो गया हूँ। वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम, कि मेरे पेरेंट्स कब मुझे इस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे, स्पष्टली देख पाएंगे कि वॉट आई एम, आखिरकार मैं हूँ क्या। ईदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, कि या तो मैं चाइल्ड हूँ या फिर मैं ग्रोन अप हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, कि एक ही समय में मैं दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता, दोनों चीज़ से मतलब एक ही टाइम में मैं किड भी हो सकता हूँ और ग्रोन अप भी हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, तो डेफिनेटली वो जो स्टेज है जो इसमें मैं हूँ प्रेजेंट, वो शायद एक मिक्सचर है, एक दोनों स्टेज के बीच की पोजीशन है। तो आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। डेट इज़ वॉट मेक माई फियर सो स्केरी, कि मुझे नहीं मालूम कि भाई है क्या चीज़ कि, बट डैट इज़ वॉट, ये वो चीज़ है डैट मेक्स माई फियर सो स्केरी, जो मेरे अंदर जो फियर है, मेरे अंदर की जो आशंका है, उसको, मेरे अंदर जो डाउट है, उसको और भी ज़्यादा भयावह, फियरफुल, ड्रेडफुल और भयानक बना देता है, डरावना बना देता है। आई नो माई फियर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, आई नो वेरी वेल कि ऑल द फियर्स विल डाई, कि मेरे अंदर जितना भी फियर है वो सब चीज़ें एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगी। एंड वेन विल इट एंड, कब ख़त्म होंगी, वेन माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, जब मेरे मम्मी डैड हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे एक किड की तरह, एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे। बट नो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा भाई, दे विल नॉट डू डैट, डेफिनेटली दे वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके भी अपने खुद के फियर्स हैं। डैट इज़ वाई, यही रीज़न है अम्मा सेज एवरी टाइम, मम्मा यूजुअली कहती हैं, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, कि मुझे, मम्मा हमेशा मुझे ये कहती हैं कि मैं हर समय अपनी खुद की बात को कहने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, हमेशा अपनी चीज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को फॉर्मली रखता हूँ। एट योर एज यू नीड टू बी कैप्ट ऑन द लीश, कि तुम्हारी उम्र में यू नीड टू बी, कि तुम्हारे उम्र में तुम्हें नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। लीश भी थे, वी कैन से शैकल्स, जंजीर होती है ना, जिसमें एनिमल्स को हम टाई अप करके बांधते हैं, कि एट योर एज यू नीड टू बी कैप्ट ऑन द लीश, कि तुम्हें इस एज में तुम्हारे ऊपर एक कंट्रोल की आवश्यकता है। इट इज़ फॉर योर गुड एंड दिस इज़ फॉर योर गुड सेक, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी अच्छे की खातिर है ये चीज़ समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर केपेबल ऑफ नोइंग वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, और आगे मामा कहती हैं कि वी शैल टेक द लीश ऑफ, कि हम उन सारे लीश जो हैं, जो हमारे ऊपर जो बाउंडेशंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंट्रोल है,
उन सब को हम हटा देंगे, वापस ले लेंगे. व्हेन, कब? वंस यू आर केपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. कि जब तुम केपेबल हो जाओगे अपने डिसीजंस लेने में, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू. दैट टाइम जब आप केपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान करने में, दैट टाइम वी विलिंगली लीश ऑफ यू. फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे. फ्रीडम जो है, लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो कभी एक दिन में नहीं आती है. फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन. कि फ्रीडम विल बी योर्स, डेफिनेटली तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, स्वतंत्रता तुम्हारी ही होगी. वंस, कब? व्हेन वी फील यू आर मैच्योर इनफ. जब हम इस चीज़ में हमें पता लग जाएगा, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे दैट यू आर मैच्योर इनफ. कि आप मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं पूरी तरह से, टू हैंडल ऑल द सिचुएशन. कि आप सभी परिस्थितियों को, सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने में, उनको फेस करने में सक्षम हो गए, तो डेफिनेटली हम आपको लिबर्टी देंगे. एंड दैट टाइम यू कैन एन्जॉय योर लिबर्टी, योर फ्रीडम. व्हेन विल दैट बी, आई आस्क. मैं पूछता हूँ, ऐसा होगा कब? लेकिन पापा वॉक्स इन. पापा जो हैं, डैड जो मेरे, वो अंदर आते हैं. अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोड. और जो मम्मा हैं, वो उनकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस को अपने सिर को ऐसे जेंटली हिलाती, नोट करती हैं और उनकी प्रेजेंस को बताती हैं. देन टेल्स मी, फिर मुझसे कहती हैं, समीर एवरीथिंग टेक टाइम्स. कि समीर, हर जो चीज़ है उसका एक पर्टिकुलर टाइम आता है और हर चीज़ को होने में कुछ समय लेते हैं. अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट. एंड शी गिव्स एग्जांपल्स. कैसे? कि अ फ्लावर, एक जो फूल है, इट टेक्स सम टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट. कि एक फल, फूल जो है, वो भी फल में चेंज होने में टाइम लेता है. इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट. शी ग्रिन्स. कि वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि तुम्हें भी एक टाइम लगता है. इट टेक्स अ ईयर, लगभग एक साल का समय लगता है यू टू गो इन टू द अदर क्लास. यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होने के लिए भी तुम्हें एक साल का समय लगता है. अपा कर्सेस माय आर्म्स एंड सेज. कि जो डैड है मेरे, जो मेरे पापा थे, शी ही कर्सेस माय आर्म एंड सेज. मामा वो मेरे आम को होल्ड करते हैं, डैड मेरे, और फिर बोलते हैं, आई नो, मुझे पता है, यू हैव योर फियर्स. कि तुम्हारे अपने खुद के फियर्स हैं, डाउट्स हैं. वी हैव आर्स. और एज अ पेरेंट्स वी हैव आल्सो आर फियर्स. हमारे भी कुछ फियर हैं, डर हैं. वी मस्ट फाइट आर फियर्स टुगेदर. लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने फियर्स के साथ एक साथ लड़ना चाहिए. You must understand our concern. कि आपको हम पेरेंट्स की कंसर्न, की जो चिंता है, उसको समझना चाहिए. There are so many temptation to which a youth is drawn. And he says, आगे वो कहते हैं कि since our society, हमारे समाज में ऐसी so many temptations हुए हैं. Temptations we can say कि प्रलोभन. कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कई प्रकार के टेम्पटेशंस हैं, प्रलोभन हैं, टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन. और जिसके प्रति जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो बहुत जल्दी ड्रॉन कर जाता है, फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसके साथ. आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट देम. और मैं नहीं चाहता कि मैं उन सब टेम्पटेशंस को लिस्ट आउट करूँ, एक लिस्ट बनाऊँ उसकी. You know them now. अब तुम उन्हें जब जानते हो. Come to us. हमारे पास आओ. Talk to us openly. और openly, free-minded, हमसे openly बात करो, frankly बात करें. Let us learn to be friends.
कि उसके डैड उसे समझा दें कि आज के ज़माने में, आज की सोसाइटी में इतने टेम्पटेशंस हैं, इतने प्रलोभन हैं जो कि एक यूथ को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और मैं उसकी सूची बनाना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और हम खुले दिल से, ओपनली, ओपन माइंडेड होके, ब्रॉड माइंडेड होके हम आपस में फ्रेंकली होके बात करें। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम टू फ्रेंड, कि तुम हमें एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, अपना फ्रेंड समझो, एंड टेक एवरी एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, और हमारे द्वारा जो भी आपको एडवाइस किया जाता है, टेक ऑल द एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम टू फ्रेंड्स, तो उसे आप ये नहीं समझो कि वो आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी लिबर्टी को मार कर रहे हैं, बल्कि जस्ट थिंक दैट दे आर कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, कि वो आपके ट्रू जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका वेलफेयर चाहते हैं, वो उसकी तरह वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। वी इन टर्न प्रोमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और इन टर्न, और इसके बदले में पेरेंट क्या करने वाले हैं, वी इन टर्न इसके बदले में प्रोमिस टू डू दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, कि हम जो हैं वो आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, कि तुम आप जो भी चीज़ हमारे सामने रखो, हम उसको, आपका जो दृष्टिकोण है, आपके जो व्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हम अप्रिशिएट करें। विल यू लेट मी बी योर फ्रेंड, कि क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनने दोगे। मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स माय चिन, मम्मा ने भी मेरा चिन ऐसे होल्ड करके लिफ्ट करके बोले, यस मी टू, मुझे भी आपका अच्छा दोस्त बनना है। एंड स्माइल्स इन टू माई आइज, और फिर मेरी आँखों में मुस्कुराते हुए, आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन हैप्पीली, मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ और प्रसन्नता से मुस्कुराता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स नाउ, वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, जो कि किस में, आपस में एक बॉन्डेशन में, एक हेल्दी बॉन्डेशन में है, प्यार में बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट द अदर, एंड फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स वी प्रोमिस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हम प्रोमिस करते हैं क्या, दैट वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम में से किसी को भी, एक दूसरे को हर्ट करे, दुखी करे, सेड करे। दैट्स इट, हाँ ये हुई ना बात। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम बहुत खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, कि अब हम अपने फियर से, वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, कि अब लोग, अब जो हमारे दिमाग में एक डाउट्स थे, एक फियर थे, उनसे हम टोटली फ्री हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, और पप्पा मेरे बालों में ऐसे धीरे धीरे हाथ फेरते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू इट्स कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट देर आर एम सी क्यूज। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर वन, विच इज श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इन टू एन एडल्ट, क्या साइन था कि बच्चा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसका क्या साइन इसमें बताया। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, एक्ने, ACNE, एक्ने। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट वॉज द वार्निंग रिटन बाय समीर ऑन द डोर ऑफ हिज रूम, क्या वार्निंग लिखी थी। Knock before you enter. The correct answer is D. Knock before you enter. Now question number third. How old was Samir? 14 years. Answer is A. 14 years. Now come to the exercise B. State whether the statements given below are true or false. A common cold is common to all mankind. Is it true or false? True. Samir does not want privacy. False.
Amma falls and screams with pain? No, this is false. Sameer did not talk his mother for a whole day. Yes, this is true. A flower takes time to turn into a fruit. Yes, this is also right. So, put your right T in front of it. That's all, children. Later on, I'll send you the solution of the remaining question answers. In case you people feel any difficulty and you have any query regarding the chapter, you can call me on my personal number. So children, this is all. Thank you and have a nice day.